नेतृत्व है हमारी महिला के पास है, वो क्यों ना हो, जब देश का नेतृत्व ही महिला के पास है, वही सल्यूट ले रही है, तो कितना अच्छा दृश्य है कि देश की सर्वोच्च स्थान पर बैठी राष्ट्रपति महामहिम वो सल्यूट ले रही हैं। तीनों सेना की जो सर्वोच्च कमांडर हैं वो हमारी, बिल्कुल सुप्रीम कमांडर हैं वो हमारी राष्ट्रपति जी। जंगम दृश्य है और ये इंडियन कोस्ट गार्ड मार्चिंग करते हुए, ये आप भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता इस समय देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए। इनका आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, आपको बता दें समुद्र के प्रहरी के तौर पर इनकी पहचान होती है। और यहाँ इस दस्ते का नेतृत्व एक बार फिर वही महिला सशक्तिकरण की मिसाल नारी शक्ति सहायक असिस्टेंट चुनौती शर्मा कर रही हैं। तटरक्षक बल के तीन अधिकारी असिस्टेंट कमांडर प्रिया दहिया, असिस्टेंट कमांडर हार्दिक और असिस्टेंट कमांडर पल्लवी इनका साथ देती हुई, ये सीमा सुरक्षा बल, ये बीएसएफ का और पूरा महिला ब्रास बैंड है। ये अमूमन ब्रास बैंड आपने पुरुषों के हाथों में देखे हैं, उन्हीं को बजाते हुए आपने देखा है कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए। लेकिन इस बार का ये 75वां गणतंत्र दिवस समारोह बेहद खास, कर्तव्य पथ पर आपको पहले के मुकाबले कुछ अलग सी तस्वीरें दिख रही हैं, जिसमें नारी शक्ति को यहां पर सलाम है। और ये देख रहे हैं आप सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महिला ब्रास बैंड आगे बढ़ता हुआ, भारत के जवान, धुन बज रही है, जरा धुन सुना दीजिए। फॉलोइंग द बैंड मार्चिंग स्मार्टली पास्ट द सैल्यूटिंग बेस वी हैव द वुमेन कंटिंजेंट ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स consisting of 144 Mahila Praharis led by Assistant Commandant Monica Lakra. The BSF opened its doors to the Mahila officers. और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए ये CISF को देख रहे हैं आप, CISF का बैंड और CISF का कंटिंजेंट, एक के बाद एक आगे पीछे दोनों। और जो जानकारी कॉमोडोर सिंह ने दी है हमें, यकीनन ये बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाती है कि साहब वो दस्ता जो चल रहा होता है बैंड का, ताकि कदमताल करने में आसानी रहे, और उसी के अनुरूप ये आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं। In vibrant Lehriya turbans adorned with saffron hackles and sparkling band instruments playing the spirit of Amar Senani. आप बैंड दस्ता देख रहे हैं और इनके पीछे पीछे सीआईएसएफ का मार्चिंग कंटिंजेंट आपके सामने। संरक्षण और सुरक्षा, यही इनका आदर्श वाक्य है। बैंड का नेतृत्व जो है वो कांस्टेबल कश्यप मोनिका नरेंद्र कर रही। तो ये तस्वीरें अपने आप में खास हो जाती हैं। और इन बैंड में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से महिलाएं, महिला शक्ति और जो मेहमान मौजूद है वहां पर, उनमें देखिए कितना उत्साह है, अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए हैं, बाकायदा खड़े होकर ताली बजाते हुए इस अनुभव को कहीं ना कहीं आत्मसात करते हुए वहां मौजूद तभी खास मेहमान नजर आ रहे हैं। संरक्षण और सुरक्षा, यही आदर्श वक्त जिसके साथ सीआईएसएफ आगे बढ़ता हुआ, पहले बैंड और फिर मार्चिंग दस्ता। स्प्रेड अक्रॉस कर्तव्य पथ, आप जानते हैं कर्तव्य पथ पर ये केसरिया हैकल से सुसज्जित जीवंत लहरिया पगड़ियां, चमचमाते बैंड वाद्य यंत्रों के साथ अमर सेनानी की जोशीली धुन बजती हुई ये सीआईएसएफ का दस्ता आगे बढ़ गया है। और अब यहाँ पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला बैंड आगे आता हुआ, कांस्टेबल सोसा अल्पाबेन इसकी अगुवाई कर रही हैं। देश के हम हैं रक्षक, यही वो धुन है जो यहाँ बज रही है, सुना दीजिए धुन बजाता हुआ। सीआरपीएफ को अपने पहले महिला बैंड दस्ते की स्थापना का श्रेय भी जाता है। इस महिला बैंड दस्ते में 100 उत्साही महिला सेनानी शामिल। कर्तव्य पथ रोमांच से सराबोर, सीआरपीएफ का महिला मार्चिंग दस्ता अब सलामी मंच के सामने। तो सीआईएसएफ का जो बैंड दस्ता था वो आगे बढ़ गया है, उसमें भी 100 महिलाएं, उत्साही महिलाएं सेनानी जो शामिल थी। और अब सीआईएसएफ का ये महिला मार्चिंग दस्ता है जो आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं। आदर्श वाक्य इनका सेवा एवं निष्ठा। तो ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का दस्ता, बैंड के बाद मार्चिंग दस्ता भी अब आगे बढ़ता हुआ। और पीछे पीछे अब आप देखेंगे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बैंड, ये जो तस्वीरें हैं वो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बैंड की तस्वीरें। और यहाँ पर भी कांस्टेबल अंबिका पाटिल नेतृत्व कर रही हैं, ये हिम वीरांगनाएं हैं, गर्व से सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च कर रही हैं। सुना दीजिए जरा धुन, सारे जहां से अच्छा। और ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महिला मार्चिंग कंटिंजेंट
नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट मोनिया शर्मा कर रही हैं। इस गौरवशाली टुकड़ी में 3 अधीनस्थ अधिकारी और 144 अन्य रैंक शामिल हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बारे में आपको बता दें कि हमारी उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं के बहादुर दृढ़ प्रहरी ये माने जाते हैं। -45 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में ये डटे रहते हैं। 19,000 फीट की ऊंचाई पर भी ये थकते नहीं, की रक्षा करते हैं। हिम तेंदुओं की तरह ये काम करते हैं, इसीलिए हिम वीरांगनाएं हमने इनको कहा। और अब ये दस्ता आगे बढ़ते हुए और पीछे अब आप देख रहे हैं सशस्त्र सीमा बल SSB का बैंड अब आपके सामने। इंस्पेक्टर जया शर्मा कर रही हैं बैंड का नेतृत्व। जोश भरा है सीने में, है हथेलियों पर जान की धुन पर हाथ, और है हथेलियों पे जान। दैट इज देयर ट्यून एज द डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट मैक्रों वॉच This special service bureau that was set up in 1963 with the aim to strengthen the lost self-confidence of the people after the India-China war. The SSB contingent now, Deputy Commandant Nancy Singler, leading this force, in addition to guarding the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders, playing an important role in the Naxal-affected states of Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. सशस्त्र सीमा बल का दस्ता आगे बढ़ चुका है और अब ये दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ पर, जो सलामी मंच है उसकी ओर बढ़ता हुआ। दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन बजाते हुए सब इंस्पेक्टर हैं रूइंग यूनाओ कैन से, वो कर रही हैं इस बैंड का नेतृत्व। 4 महिला सब इंस्पेक्टर है, 81 महिला कांस्टेबल है, भाग ले रही है दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता। Playing the Delhi Police song. Just behind the band, the Delhi Police Marching Contingent, which is a 15-time winner of the Best Marching Contingent of the Republic Day Parade. This time it is an all-women affair. तो ये दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता अब आपके सामने है और आपको बता दें कि इस बार ये सर्व महिला दस्ता है और दिल्ली पुलिस का जो मार्चिंग दस्ता है वो हर बार, जिसका जिक्र कुछ देर पहले आशीष कर रहे थे ना कि इनमें भी जबरदस्त कंपटीशन चल रहा होता है, तो ये दिल्ली पुलिस का जो दस्ता है ये 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं भाई ये 15 बार बेस्ट मार्चिंग दस्ते का अवार्ड अपने नाम कर चुका है, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता। इस बार जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है इन पर क्योंकि यहाँ पर सर्व महिला दस्ता है। एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर श्वेता के सुगाथन IPS नेतृत्व कर रही है। ABP News आपको रखे आगे।